हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपन कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5। ओके, चैप्टर नंबर 5 में अपन कर रहे थे कि कोशिका क्या होती है, और उसमें अपन ने कल जो है जंतु कोशिका के बारे में पढ़ा था। जंतु कोशिका का डायग्राम बनाया था अपन ने, ठीक है। अब कोशिका दोनों दोनों मिला के अपन कोशिका को जो है इस तरीके से बढ़ते हैं। कोशिका के तीन भागों को अपन तीन भागों में पढ़ते हैं कोशिका को, ठीक है। पहला है कोशिका, कोशिका कला, कोशिका कला, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे दूसरा कि साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है बच्चा। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और थर्ड पढ़ेंगे केंद्रक, कोशिका का केंद्रक, ठीक है, सेंटर, ठीक है, या न्यूक्लियस बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है तीन चीज़ें, अपन इनको पढ़ेंगे, ओके। अब इसमें पहला अपन पढ़ेंगे कोशिका कला, कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, कोशिका कला की बात कर रहे हैं तो इसमें एक तो अपन पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या होती है कि ये अपन बोल सकते हैं कि किसी कोशिका का बाहरी आवरण होता है, ठीक है, या ये जो है वातावरण से इसको क्या करती है, पृथक करती है। तो कोशिका का बाहरी आवरण क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। और कोशिका झिल्ली जो है ये क्या होती है, उस कोशिका को बाहरी आवरण से अलग करती है, ठीक है। यानी उसका बाहरी आवरण क्या होता है, कोशिका झिल्ली। अब देखो, ये केवल अपन बोल सकते हैं कि जो है अच्छा, ये क्या होती है, एक चयनात्मक झिल्ली होती है, चयनात्मक, चयनात्मक झिल्ली। चयनात्मक झिल्ली का मतलब है कि मैं आपको देखो नोट्स दे दूंगा इसके, ठीक है। अभी केवल समझ लो कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। पहले तो ये कोशिका को जो है बाहरी आवरण से अलग करती है। जैसे एक कोशिका है तो उसको उसके बाहर जो वातावरण है उससे क्या करती है, पृथक करती है। पहला पॉइंट तो ये याद रखोगे, ठीक है। और ये कोशिका का बाहरी आवरण होता है, ये याद रख लेना। ये चयनात्मक झिल्ली होती है जो आवश्यक पदार्थों को तो अंदर लेती है कोशिका के अंदर, और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है, ठीक है। तो ये एक क्या होती है, चयनात्मक झिल्ली होती है, ठीक है, इतना याद रख लोगे आप लोग। फिर अपन आते हैं कि ये बनी किसकी होती है। ये बेटा प्रोटीन या फॉस्फोलिपिड आप बोल सकते हो, प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, दूसरा की पॉइंट आप याद रख लोगे, चयनात्मक झिल्ली होती है, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। और ये कोशिका को बाहरी आवरण, कोशिका का बाहरी आवरण होता है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट इसमें याद रखोगे। अब इसमें आती है कोशिका भित्ति, इसी में अपन पढ़ते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो होती है ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, केवल पादप कोशिका में। तो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। और ये कार्य क्या करती है, काम क्या करती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, ये इसका कार्य होता है। कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना किसका कार्य होता है, कोशिका भित्ति। तीसरा पॉइंट आप इसमें याद रखोगे कि एक निर्जीव, निर्जीव, निर्जीव व कठोर होती है, एक तरीके से याद रख सकते हो, ये निर्जीव होती है, ठीक है, निर्जीव होती है। चौथा पॉइंट इसमें याद रखोगे, ये सेल्युलोज, सेल्युलोज की बनी होती है, सेल्युलोज की बनी होती है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आप याद रख लोगे। कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं अपन, तो ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये निर्जीव होती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना इसका कार्य होता है, और ये सेलुलोज की बनी होती है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं इतने, ठीक है बच्चा, इतना क्लियर है ये। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, कोशिका कला, यानी कोशिका कला का मतलब होता है कि कोशिका की जो आवरण पाए जाते हैं, झिल्लियाँ पाई जाती है, वो कौन कौन सी होती हैं। तो ये अपन ने पढ़ लिया, ये पादप कोशिका में और ये दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली। इसी को अपन बाहरी आवरण बोलते हैं, कोशिका का बाहरी आवरण, बाहरी आवरण, ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे।
तो इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब देखो ये था, ठीक है, तो इसमें अपन दो पॉइंट रह गए थे कोशिका जब अपन ने पढ़ा था। तो सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका बेटा ये होती है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा जीवाणु, ठीक है। तो इसकी ये सबसे छोटी कोशिका होती है, और सबसे बड़ी कोशिका जो है ना, सबसे बड़ी कोशिका ये होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। कोशिकाएं बाद में मिलकर, कोशिका समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, जो शरीर का उत्तक जो अपन बोलते हैं, ठीक है, जैसे रक्त है एक उत्तक है, हड्डियां जो है वो भी क्या है, उत्तक है। उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तंत्र का, और तंत्र मिलकर फिर शरीर का निर्माण करते हैं। तो हमारा शरीर जो है इस तरीके से बना हुआ है, सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं, फिर उत्तक, फिर अंग, फिर तंत्र, फिर और शरीर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन पढ़ते हैं। तो ये दो चार चीजें आपको याद रखनी थी इसमें। फिर अपन पढ़ेंगे, देखो कोशिका कला अपन ने पढ़ ली, ठीक है, और कोशिका कला के बाद में अपन पढ़ेंगे क्या, जिसको बोलते हैं कोशिकांग, ठीक है, या कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो अगला टॉपिक है अपना कोशिका द्रव्य, दूसरा अपन पढ़ रहे थे कोशिका द्रव्य। तो बच्चा कोशिका द्रव्य की बात हो रही है, कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य का मतलब है कि ये एक अपन ने जैसे कोशिका पढ़ी थी, ठीक है, तो यहाँ पे केंद्रक था, ठीक है, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली इन दोनों के बीच में जो पदार्थ भरा हुआ है यहाँ पे, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं बच्चा, कोशिका द्रव्य, ठीक है ना भाई। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में भरा हुआ पदार्थ, लिक्विड पदार्थ, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा, लाइसोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है, गोल्जिका, ये वगैरह सारे जो है किसमें पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में। तो इसमें भी पहला अपन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकांग पढ़ रहे हैं अपन, कोशिकांग, ठीक है, कोशिकांग इसी में आएंगे। और इसमें पहला अपन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले आपको संरचना याद रखनी है, तो संरचना कुछ इस तरीके से होती है इसकी, ठीक है, ये इस तरीके से संरचना होती है। और दो झिल्ली, दोहरी झिल्ली युक्त होता है, दोहरी झिल्ली मतलब दो झिल्ली पाई जाती है यहाँ पे, दोहरी झिल्ली, ठीक है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है यहाँ पे। दोहरी झिल्ली का मतलब है दो झिल्लियां पाई जाती है, एक तो बाहरी झिल्ली, बाह्य झिल्ली, और एक क्या होती है, आंतरिक झिल्ली, इसको बोलते हैं अपन आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, ठीक है बच्चा, आंतरिक झिल्ली होती है। तो दो दो झिल्लियां पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक तो बाह्य झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली जो है उसके अंदर भरा हुआ पदार्थ, यहाँ पे कुछ पदार्थ भरा होता है उसको अपन, या खाली स्थान जो होता है ना, इसके अंदर आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ जो स्थान होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, आधात्री या मैट्रिक्स, आधात्री या फिर इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ भरा हुआ या फिर यहाँ का स्थान जो है ना उसको बोलते हैं आधात्री या मैट्रिक्स, ठीक है बच्चा। तो ये आपको याद रखना है, इन अंगुली नुमा जो ये उभार दिख रहे हैं आपको, ये अंगुली नुमा उभार, इनको क्रिस्टि बोला जाता है, क्या बोलते हैं, क्रिस्टि, ठीक है, क्रिस्टि। तो ये आपको याद रखने, इन क्रिस्टि पे जो है कुछ कण पाए जाते हैं, उनको ऑक्सीसोम कहा जाता है। इसके बारे में और अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ठीक है, कल पढ़ेंगे अपन, या अगली क्लास जब भी होगी अपनी तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, आज के लिए काफ़ी है, ओके, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।